हम अबू में आए अबू के अंदर थोड़ा यज्ञ के इतिहास में बेगली पाठ का पाठ आया जिसमें कच्चे जो थे वो तो नजदीक इंडिया में आने से संबंधियों के पास गए तो भी बाबा कहता था जो जाएंगा ना उनको भी बाबा भागंती भी होगा शान मान से बोलता था वंदर ये होता था जिसकी बुद्धि जाने को होती थी उनके संबंधियों का निमंत्रण आता था कि हम अभी तो इंडिया में नजदीक आए हैं आप आइए कहता था बाबा फौरन पत्र देता था कि तुमको याद करते हैं तुम जाएंगे कहेंगे जाएंगे वो जाता था बाबा उनको विदा करके कहता था ये वापस नहीं आए मगर बेगरी लाइफ में भी हमने बहुत अच्छा अनुभव किया जब बेगरी लाइफ थी यज्ञ तो बाबा ने रेशन के ऊपर हमें इंचार्ज बना दिया पहले मम्मा की बहन हमारे साथी थी हम उसका असिस्टेंट थी तो जब वो ड्रामा अनुसार वो चली गई उसकी बच्चे में ममता थी तो मम्मा ने हमको कहा अच्छा कुंजा अभी तुमको जो है ये डिपार्टमेंट संभालनी पड़ेगी मैं कहा मम्मा कराची में तो हमारी गैरेज भरी हुई थी तभी मेरी ये ड्यूटी थी अभी मैं ये नहीं संभालेगी क्योंकि अभी इकोनॉमिक का पीरियड तो मम्मा ने हमने कहा मम्मा हेड हमको कोई बहन दे दो हम असिस्टेंट बन के रहेंगी कि जो बहन जो सेल्वेशन कहेंगी कहेंगी दीदी -दी से साइन करा के तो मम्मा ने बाबा को कहा बाबा पूछा मम्मा ये चली गई है कुंज कहती है हम हेड नहीं बनेगी हेड बनने से डरती है क्योंकि अभी इकोनॉमिक का पीरियड है कोई को सेल्वेशन नहीं मिलेगी तो नाराज हो जाएगा तो हम हेड को दो। बाबा ने कहा, को बुलाओ बनेंगे बात है शिव बाबा के भंडारे का हेड तो बाबा ही है बाबा हेड है तू मेरा असिस्टेंट है हम हंसने लगी अब तो ना असिस्टेंट मिलेगा ना हेड मिला <laughs> मैं मुस्कुराने लगी तो प्यारे बाबा कैसे यज्ञ चलाते थे मगर बिल्कुल निश्चित और बाबा बिल्कुल बेफिक्र होके कभी बाबा मुरली में कह देता कि मामा तुम्हारे भंडारी में कितना है कह बाबा बारह है बताओ जिस बाप के पास डेढ़ सौ बच्चे बैठे हैं और भंडारी के अंदर बारह ना है उस बाप को कितनी चिंता होगी इतने बच्चों की पालना करने की फिर बाबा हंस के कह देता था, था यज्ञ माता द्रुपति के भंडारे में चूहे दौड़ रहे मम्मा भी मुस्कराए मम्मा कहे जब शिव बाबा का भंडारा भरपूर था तब तो भंडारा था शिव बाबा का जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रुपति के देखने में चूहे दौड़ रहे मम्मा भी हंसती थी और हम बच्चे तो साखियों के मुस्कुराते थे मगर आपको वंडर सुनाए जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे उन्होंने इस कोई परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा हम सभी बच्चे ऐसे समझते थे कि बाबा ने कह दिया है अंत में अकाल पड़ेगा ये ये पेपर आएगा उसकी हमारी अभी से प्रैक्टिस हो रही। दूसरा क्या होता था एकानामी से रहते थे रात को नहीं खाते थे तो एक बजे से बहुत योग अच्छा लगता था तो कहते बाबा रोज कहता है अमृत वे बैठे उठ के योग करो तो वैसे नींद ही नहीं खुलती है अभी हमारा बहुत योग अच्छा लगता है दो बजे से बाबा एकदम तो जो भी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे उन्होंने हर परिस्थिति को पॉजिटिव के रूप में लिया और जो कच्चे थे वो कहते थे अभी तो ऐसे है, पीछे क्या होगा तो वो तो भागंती हो गए और निश्चय बुद्धि बच्चे पॉजिटिव होके चलते हम रेशन के ऊपर रहती थी उसी टाइम में राशन होता था तो अगर 30 तारीख तक राशन नहीं आया तो उसके बाद रेशन मिलेगा नहीं तो हम उस भंडारे के चार्ज में होके बाबा कहते थो पच्चीस तारीख से बेटी तुम सारी तैयारी करके रखना फुल मास का राशन आएगा हम कहे बाबा को बाबा 25 तारीख है अर्जुन राशन नहीं आया बाबा कहेंगे बच्ची अर्जुन तो चार दिन है ना कहे बाबा 26 तारीख है अच्छा अर्जुन तो तीन दिन है ना बाबा तीस तारीख है अर्जुन बच्ची चौबीस को घंटा कोई ना कोई ऐसा ड्राफ आना है जो मास का रेशन हम क्या जाए बाबा बारह बजे बुलाएगा बेटी आज रेशन आग मगर बाबा बिल्कुल निश्चित बच्ची शिव बाबा का यज्ञ है शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा को खिलाना है हमको क्या चिंता करनी बिल्कुल बेफिक्र बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत कि बाबा ने यज्ञ रचा है, उसको बाबा को ही चलाना है बाबा के बच्चे हैं, बाबा को खिलाना हर प्रकार से बाबा ने इस यज्ञ के स्थापना में सदा रक्षक का पालन और अच्छे थे अच्छे यज्ञ की बेगरी लाइफ है और हम क्या खा रहे हैं खीर पूरी खा रहे हैं ये खा रहे हैं है। सब बाबा खिला भी रहा है पिला भी रहा है सब कुछ मगर ऐसा तो हमने हर प्रकार से देखा कैसे बाबा यज्ञ की स्थापना में रक्षक का पाठ बजा